हेलो दोस्तों, इंडिया में बनाए जाने वाला पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच बनाया जा रहा है। तो इसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बीच दोस्तों बहुत सारे जो नदियां हैं वो भी आते हैं, तो इसी नदी के ऊपर में बहुत सारे ब्रिज भी बनाए जाने वाला है फ्यूचर में। लेकिन इन सभी लेटेस्ट अपडेटों के बीच में दोस्तों जो अभी जो एकदम ताजा तरीन जो अपडेट आया है दोस्तों, जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बीच में दोस्तों सभी ब्रिज बनाए जाने वाले हैं। इसके बीच में दोस्तों सेकेंड जो ब्रिज है दोस्तों जो कि पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। इसके पहले जो दोस्तों ब्रिज बनाया जा चुका था वो पार रिवर के ऊपर था जो कि अनदर जो गुजरात में पड़ता है, तो उसका भी जो ब्रिज है दोस्तों वो बनाया जा चुका है। लेकिन अभी जो दोस्तों इसका सेकंड ब्रिज वो भी पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को ये जो सेकंड ब्रिज है उसका अपडेट देने वाला हूं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बताते हैं पूरे डिटेल्स में। तो ये जो आप लोग ब्रिज देख रहे हो दोस्तों, ये पूर्णा रिवर के ऊपर जो कि अनदर गुजरात में नवसारी डिस्ट्रिक्ट के अंडर बनाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों इस जगह में दोस्तों बहुत सारे जो है पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो बहुत दिन पहले स्टार्ट हो चुका था। और अभी जो दोस्तों पूरा का पूरा जो 9 स्पैम जो बॉक्स गर्डर है दोस्तों उसको पूरी तरह से एकदम पूरा का पूरा कनेक्ट कर दिया गया है। जो कि दोस्तों ये जो ब्रिज है लगभग 360 मीटर लंबा है और 10 से 12 मीटर हाई का सर्कुलर जो गर्डर है दोस्तों वो है। और बहुत सारे जो है दोस्तों इस जगह में जो पिलर है सभी को कनेक्ट कर दिया गया है दोस्तों। दिन रात इस जगह में दोस्तों जो है काम वो किया गया है NHRCL के माध्यम से। तो अभी अगर आप लोग देखोगे दोस्तों ब्रिज जो है दोस्तों पूरा का पूरा एकदम कनेक्ट कर दिया गया। और ये जो अभी आप लोग ब्रिज देख रहे हो दोस्तों, ये जो नदी है बहुत ही छोटा दिख रहा है, लेकिन दोस्तों बरसात के दिन ये जो ब्रिज है दोस्तों बहुत ही काम आने वाला, क्योंकि जो नदी का आकार है दोस्तों बहुत ही हाई हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों जो इस जगह में जो ब्रिज है वो भी बहुत ही बड़ा बनाया गया। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों किस तरह जो है कनेक्शन कर दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो भी काम पूरा हो चुका है। तो अगर आप लोग दोस्तों जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम है दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से अगर जानना चाहते हो मेरे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हो। और दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट आया है दोस्तों उसके मुताबिक जो बुलेट ट्रेन का टोटल कॉरिडोर दोस्तों 508 किलोमीटर का, 508 किलोमीटर में से दोस्तों 60 किलोमीटर का जो गार्डर लॉन्चिंग का काम है दोस्तों वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। और इसी 508 किलोमीटर में से दोस्तों जो पिलर का काम है दोस्तों लगभग 250 किलोमीटर में से ज्यादा हो चुका है। तो दोस्तों जो काम है बहुत ही तेजी से चल रहा है और ये बुलेट ट्रेन जो कॉरिडोर है दोस्तों लगभग 2027 तक ये ऑपरेशनल हो जाने वाला है आम पब्लिक के लिए। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। और ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो बुलेट ट्रेन से जुड़ा सभी अपडेट देखने के लिए। तो चलो बाय बाय।